हे गाइस, वेलकम टू अनदर फूड रिव्यू व्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं अल हबीब दो दरिया पर और वहाँ के खाने का हम आपको रिव्यू देने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली बार भी दिया था, पिछली बार जो हमने रिव्यू दिया था वो था रास्को बलूची दम पुख्त पर। आप लोग अगर चाहें तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। ऊपर जो आई का बटन आ रहा है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम आ गए हैं जी अल हबीब पर। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है देखने में। आप सब जानते हैं कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है, इन्होंने सामने सैनिटाइज़र रखा था कि आप अपने हाथों पे सैनिटाइज़र लगाएं, उसके बाद आप आगे जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं अल हबीब के अंदर और ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह लग रही है देखने में और लाइट्स कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम ऊपर जाके खाना खाएँगे, तो हम जा रहे हैं अब ऊपर। तो यहाँ से ज़रा आप अब व्यू चेक करें, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको तो पता ही है जो जगह सी के करीब होती है उधर कितनी जल्दी नमी हो जाती है। तो जो सोफ़ा थे ना और इनके ऊपर आप देखेंगे कितनी ज़्यादा नमी हो गई थी, तो अभी ये साफ कर रहे हैं। ये रही मम्मी और ये पापा और अब हम देखने लगे मेन्यू। और आप मेन्यू पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया सूप और लाहौरी फिश। और ये रही मैं और मेरी बहन मानूर, एडिटर प्लस कैमरामैन हम दोनों, और साथ में कभी कभी हम दोनों कुकिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखिए हम दोनों की शक्लें। मानूर ने तो खैर मास्क पहना। तो ये देखिए अब सूप आ चुका है और साथ में गार्लिक ब्रेड और क्रैकर दिया। सूप को इन्होंने बहुत अच्छे से एलुमिनियम फॉइल से कवर किया हुआ है ताकि ये ठंडा ना हो जाए। जब मैं तो सूप ज़्यादा पीती नहीं हूँ, वैसे भी मैं कहीं जाती हूँ तो सूप नहीं पीती, बट मानूर सहर अम्मी पापा ये लोग सूप पीते हैं। लेकिन इस दफ़ा अम्मी ने भी सूप ऑर्डर नहीं किया था। असल में मेरा जो मेन फोकस होता है ना वो होता है खाने पर, कि खाना खाएँ यार, सूप तो चलो छोड़ो वो तो कभी ना कभी हम पी लेंगे, बट मैं सूप खैर पीती नहीं, लेकिन मेरा मेन फोकस होता है खाने पर। सबसे पहले तो सूप को सहर ने ऐसे ही टेस्ट करना होता है, फिर उसके हिसाब से सहर बाकी चीजें डालती है। अच्छा सूप है ना, शक्ल में तो ऐसा नहीं बना बोलो। मैंने ये तो कहा था अच्छा है, मुझे भी अच्छा। मैं वीडियो में भी कहा था मुझे पहली, अब तुमने नहीं सुना। अच्छा मुझे भी अच्छा लगा, मतलब सादा भी अच्छा है। सोया सॉस डाल दिया था, विनेगर डाल दिया, लेकिन विनेगर में जो ये हरी मिर्चें होती हैं ना सहर को सबसे ज़्यादा ये पसंद आती हैं, तो जितनी विनेगर में मिर्ची थी ना तकरीबन इसने सारी उठा ली होंगी। और अब इसने डालना है चिली सॉस, साथ में लाहौरी फिश भी आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही, देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। अब मैं लाहौरी फिश ट्राई करने लगी हूँ, तो मैंने अपनी प्लेट में लाहौरी फिश डाल दिया और फ्राइज साथ में, क्योंकि फ्राइज़ मेरी पहली मोहब्बत है तो फ्राइज़ तो ज़रूर होने चाहिए। अब मैं गार्लिक मायो है ये, इसके साथ फिश ट्राई करने लगी हूँ, बहुत ही जायकेदार है। तो अब जी खाना आ गया है, खाने में हमने क्या क्या ऑर्डर किया वो आप देखेंगे। बिहारी रोटी खोलते ही पापा कहते हैं चलो वीडियो बना लो, पापा को भी पता है मुझे वीडियो बनानी। साथ में हमने ये मटन कढ़ाई ऑर्डर की है, ये देखें देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ये रेशमी कबाब ऑर्डर किए हैं हमने, और भी बहुत सारी चीज़ ऑर्डर की हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये चिकन बिहारी बोटी, मटन कढ़ाई अच्छी थी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। तो इसको जब मैंने पापा से पूछा आप कितना रेट करेंगे, पापा ने बोला 7 out of 10, तो इतना ही रेट किया भाई। और हमने ऑर्डर किए थे ये फ्राइड राइस विथ चिकन चिली ड्राई, तो ये अच्छे से एलुमिनियम फॉइल से कवर हुए हुए थे, तो अब सहर ने एलुमिनियम फॉइल हटा दी है और ये थोड़ा बर्तन गर्म है तो उसको हटाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, बट सहर की हेल्प कर दी गई है और ये बर्तन हटा दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बट मैं आपको बता दूँ कि सहर ने मुझे बताया था कि फ्राइड राइस तो ठीक थे बट जो चिकन चिली ड्राई था ना उसकी जो चिकन थी ऐसा लग रहा था कि उसमें उसको ना केचप में पकाया गया है सिर्फ, तो कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, मीठा मीठा लग रहा था।
और स्पाइसी भी नहीं था। फिर हमने इन्हें कंप्लेन की और फिर ये दोबारा से लेके गए चिकन चिली ड्राई और उसको थोड़ा स्पाइसी बना के लेकर आए। उसके बाद जो सर ने इसको रेट किया, इसका टेस्ट कहा था कि अच्छा हो गया और सर ने कहा था कि इसको मैं रेट करूँगी तकरीबन 7/10। बिहारी बोटी में वैसे नमक तेज़ होता है, आप सबको पता होगा, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा था और बस ठीक थी। और जो रेशमी कबाब थे वो भी बस ठीक थे, इतने ज़्यादा जायकेदार नहीं थे। और हमने जब हांडी ऑर्डर की थी ना, हांडी भी बस ठीक थी, उसको मैं 6/10 दूंगी। कुछ इतनी ख़ास नहीं थी हांडी, बट व्यू तो आप देख ही सकते हैं, व्यू बहुत ही कमाल का है। और साथ में हमने ऑर्डर किया था मिंट लेमनेड, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था और सर्विस बहुत ही अच्छी थी, तो उसको मैं 9/10 दूंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इससे पहले हमने सिद्दीकी बॉस के रेस्टोरेंट का रिव्यू दिया था, रास्को बलोची का रिव्यू दिया था, वो भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।